मुंबई से वायाकोट होकर जयपुर जाने वाली गाड़ी संख्या 12955 मुंबई जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन के रेक में बुधवार को उस समय आग लग गई जब ये ट्रेन पिट लाइन पर खड़ी हुई थी। वहीं रेक का रखरखाव चल रहा था और ही अचानक किसी एसी कोच में आग लग गई और कुछ ही देर में 3 कोचों में आग पकड़ ली। वहीं आग की लपटें और धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक AK गुप्ता ने इस घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। वहीं ये ट्रेन मुंबई से शाम 6:50 पर रवाना होनी थी, लेकिन आग लगने के कारण इसे रीशेड्यूल करना पड़ा है। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। तो पिट लाइन पर खड़ी थी ये ट्रेन मुंबई जयपुर सुपर फास्ट के, ये ट्रेन थी जो रेक पर खड़ी थी, वहीं पर एक AC डिब्बे में आग लगी और देखते ही देखते ये आग 3 डिब्बों तक फैल गई। ये ट्रेन पिट लाइन पर खड़ी थी, आग को देखते हुए दमकल कर्मियों को सूचना दी गई और मौके पर दमकल कर्मी पहुंचकर आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये ट्रेन 6:50 पर रवाना होनी थी, लेकिन आग लगने के बाद इसको रीशेड्यूल किया गया है। वहीं अधिकारियों की तरफ से उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है ताकि ये आग क्यों लगी इसके वजह का पता लगाया जा सके। तो मुंबई जयपुर सुपरफास्ट के रेक में ये आग लग गई है, पिट लाइन पर खड़ी थी ये ट्रेन। वहीं आग को देखते हुए दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हुए, जहां आग पर काबू पाया। काफी मशक्कत के बाद 3 डिब्बों में जो आग लगी हुई थी उस पर काबू पाया जा सका है।